बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, कैसी हैं आप सब। इस दफ़ा तो काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगी। बच्चों, आपके टेस्ट से पहले हम कर रहे थे इस चैप्टर के शॉर्ट ऑन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत तैयबा, खुल्क अज़ीम। और देखें यहाँ पर इसके क्वेश्चन हमारे हो गए थे, तीन हो गए थे। फोर्थ है मल ला यरहम ला युरहम का तर्जुमा लिखिए। इसके आंसर के लिए आप यहाँ पे आ जाएं, पेज नंबर 16 पे। यहाँ से जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, ठीक है। इसका तर्जुमा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे ये वाले जो क्वेश्चन थे, जो मशकी सवालात थे, वो तो कंप्लीट हो गए हैं। अभी शॉर्ट आंसर और भी करवाऊंगी, जो आपको बुक से जो हमने ख़ुद बनाए हैं वो करवाने हैं। और यहाँ पे आज आप ये भी कर लें, खाली जगह पुर करें। पहली है तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाओ, जाओ तुम सब आज़ाद हो। थर्ड है रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल वैश्य को भी माफ़ कर फरमा दिया। अगला है जो शख्स हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। नेक्स्ट है जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, ठीक है गर्ल्स। ये तो था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी, इसके शॉर्ट आंसर मज़ीद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।